डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास पे। आज हिंदी का परीक्षा हुआ है जिसके सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके हम हाजिर है। फटाफट मिला लीजिए आपने कितना सही किया और सबसे पहले लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस सेट कोड का नाम है जीए, तो जीए जितने वाले भी हैं मिला लीजिए, अगर जीए नहीं भी है तो आप आराम से मिला सकते हैं अपना कोड बैठ के, तो फटाफट मिला लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है। तो पहला ऑप्शन दिया है भारत माता, दूसरा ऑप्शन दिया है जनतंत्र का जन्म, तीसरा ऑप्शन दिया है अक्षर ज्ञान, चौथा ऑप्शन है स्वदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वदेशी, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। तो रसखान सोया छंद में विद्ध थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं कहाँ पे रास्ते में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है, पपाती का उम्र क्या थी। तो पपाती का उम्र क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, तो 12 वर्ष क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पांच नंबर प्रश्न है, सीता रुवाती क्यों हो गई। तो ध्यान से देखिए, रुवासी क्यों हो गई, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, प्रकृति, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, परि, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आठ नंबर प्रश्न है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ खाली होना यानी पैसे का न होना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए मिला लेते हैं अगला प्रश्न है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ का बी, औ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाली बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लेकर हाजिर हुए हैं हम। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं ग्यारह नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर माँ के मार के कारण से भागा था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, बारह नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। तो बिरजू महाराज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कथक के थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, तेरह नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म यहाँ पे 16 जनवरी 1941 को हुआ था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं चौदह नंबर प्रश्न है, विलनव क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, यहाँ पे हो जाएगा एक छोटा सा गाँव है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि और दोस्तों के पास ये पहुंचे। ये प्रश्न 100% सही, जो हम आंसर बता रहे हैं वो 100% सही है। 15 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, इसी दुनिया में से, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 अप्रैल 1891, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलीन बिलोचन शर्मा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 18 नंबर, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है, ग्रामीण में, पढ़े हुए हैं हम लोग, कहाँ पे होता है ग्रामीण में, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, यहाँ पे पराज, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए,
किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीस का डी, कालिदास। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची शब्द यानी अमृत का दूसरा नाम क्या है, तो सुधा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का आपका ए, कामू, कमू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर, 23 नंबर प्रश्न है सतकोड़ी क्या था, कथाकार, सतकोड़ी होता है कथाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का यहाँ पे सी, उड़िया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मुहावरा दिया हुआ है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो कमर कसना मतलब तैयार रहना, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जीवन में एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, प्लीज कर दीजिए। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, तो 1915 में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मेघदूत जर्मनी, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 का सी, मैक्स मुलर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 27 नंबर, 27 नंबर प्रश्न है मंगमा को किससे विवाह था, तो अपनी बहू से था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी के पिता का नाम क्या है, तो लक्ष्मी के पिता का नाम क्या है, लक्ष्मण, थे यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न है किसी नदी, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो पपाती ध्यान से देख लीजिए तेज बुखार के कारण, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इत्मीनान से मिला लीजिए, जितना भी सही हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 32 नंबर, राजगृह में कौन सा समास है, तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो इसमें से देखना है आपको सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं सर्वनाम हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 34 का निर्गुण भक्ति धारा के, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिला लीजिए यहाँ पे देखिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी का है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है भारत से हमने क्या सीखा क्या है, तो क्या है इसमें, पहला ऑप्शन निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा भाषण, चौथा व्यक्तिगत चित्रण दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषण है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांति किसने कहा था, तो किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद को, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दधाची की हड्डी से क्या बना था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 39 का ए, इंद्र का वज्र, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 9th-10th का इस चैनल पे तैयारी कराया जाता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 41 नंबर, बहुत ही आसान, मछली लेकर कौन भाग गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, संतु। 42 नंबर प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 43 नंबर, 43 नंबर प्रश्न है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो क्या था, शंभु महाराज, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जारशाही कहाँ थी, तो रूस में थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहपाद की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए व्याकरण से प्रश्न आया है, 46 नंबर बोल रहा है शुद्ध वाक्य कौन है, तो राम ने पुस्तक खरीदा। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 47 नंबर, 47 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि के लेखक हैं, तो नागरी लिपि के लेखक हैं, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे गुणाकर मूल्य यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए बहादुर का पूरा नाम है, तो बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए 50 नंबर, 50 नंबर प्रश्न है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो परंपरा का ज्ञान जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे वही उस उन्हीं को परंपरा के ज्ञान की आवश्यक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे बिन तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी, धनवीर भारती, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए कुंवर नारायण कवि है, तो इसमें थोड़ा मुझको कन्फ्यूजन लग रहा है, आप जो भी टिक लगाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे ख्याल से होगा ग्राम संवेदना का, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से सही होगा, आप जो भी लगाए हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम गलत नहीं बता सकते, इसका नहीं पता इसलिए छोड़ देते हैं। 53 नंबर प्रश्न है सेनापति में कौन सा समास है, तो सेनापति में यहाँ पे 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 54 नंबर, 54 नंबर प्रश्न है मित्र शब्द की, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी मित्री, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 55 नंबर, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि है, जनतंत्र में जन्म किस किनके द्वारा लिखा गया है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अवनियों किस नदी पर स्थित है, तो रोन नदी पे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मछली कहानी किस वर्ग की जीविका पर है, तो यहाँ पे निम्न मध्यम वर्गीय होता है दिया हुआ है आंसर, तो इसमें निम्न नहीं दिया है, निम्न मध्यम वर्ग या तो निम्न दिया है नहीं तो मध्यम वर्ग दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की वाक्य ख्याति किस रूप में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 58 के नर्तक के रूप में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 59 नंबर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक शिक्षा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में, टेक केयर।